हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी लाइफ बाय निकिता। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना से बचकर रह रहे होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अपकमिंग क्रिकेटर मोक्ष मुरगई। तो बुलाते हैं मोक्ष मुरगई को। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मोक्ष मुरगई से, जो कि 21 ईयर्स के हैं और अपकमिंग क्रिकेटर हैं, इंस्पायर्ड बाय MS धोनी। तो हम पूछते हैं मोक्ष से। मोक्ष, आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? माय नेम इज़ मोक्ष मुरगई एंड 21 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। दिल्ली स्टेट के लिए खेलता हूँ मैं। उसके लिए मैंने अंडर 14, 16, 19 तीनों कैटेगरीज खेली है। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एंड जोनल क्रिकेट भी मैंने रिप्रेजेंट करा है। एंड 2019 में स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्ट हुआ था मैं। गुड, बहुत सारी अचीवमेंट्स कर लिया आपने 21 ईयर्स की एज में भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ 21 ईयर्स के हैं, तो आपने धोनी के देखने के बाद ही क्रिकेट खेलना शुरू किया या आपको उससे पहले से ही आपका कुछ मन था क्रिकेट खेलने का, या कब से खेलना स्टार्ट किया था आपने? तो ये बात 2005 की है, जब हम सारे नानी के घर बैठे हुए थे रिलेटिव्स, तो वहाँ पे हम मैच देख रहे थे इंडिया श्रीलंका का। तो वहाँ पे MSG खेल रहे थे और काफ़ी लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, और मतलब वहीं से इंस्पिरेशन आई कि ये कौन है और कैसे इतने लंबे लंबे छक्के। MS धोनी तो छक्के मारने में सबसे आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा कि जैसे काफ़ी लंबे छक्के मार रहे थे, तो वहीं से एक इंस्पिरेशन आई कि जो करना है कुछ ऐसा ही करना है। अच्छा, तो मतलब आप बिल्कुल फुल भी इंस्पायर्ड MS धोनी से ही हैं। हाँ जी। और कौन से क्रिकेटर आपको पसंद है? काफ़ी क्रिकेटर्स हैं, मतलब जो परफॉर्मेंस वगैरह है जिनकी अच्छी होती रहती है, जो अच्छे टेक्निक वाइज अच्छे प्लेयर होते हैं, तो वही पसंद आते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि एक अच्छा क्रिकेटर होने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आपको फिजिकली मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग और कितना एक्टिव काम करना पड़ता है? काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऑब्वियसली अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस मतलब अब के टाइम में तो काफ़ी लेवल भी हाई हो गया है फिटनेस वगैरह का। तो फिटनेस अब आजकल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और ऑब्वियसली स्किल्स आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको डेली उसको नर्चर करने के लिए, वो तो आपको आजकल बहुत करना पड़ेगा। एक्टिवली आपको बिल्कुल सपोर्टिंगली करना पड़ेगा, अदरवाइज 4 hours आप नेट प्रैक्टिस लेके चलिए, फिर फिटनेस लगा के चलिए 1-2 घंटे ही कम से कम। ओके, तो जब आप और यंगर एयर्स में जब आप थोड़े छोटे थे, तब तो आप जैसे प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो आपने प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करी, कहाँ प्रैक्टिस करते थे आप? प्रैक्टिस बेसिकली 7-8 साल में स्टार्टिंग कर दी थी। मैं पहले लोकल स्कूल लेवल पे ही करा, और उसके बाद जब अचीवमेंट्स वगैरह आने लगी थोड़ी बहुत, सबको एक बिलीफ आया कि हाँ कुछ हो सकता है इसी में बड़ा, तो फिर वहीं से। ओके, तो मतलब आप जैसे अब क्रिकेट खेलते थे अपने आसपास में फ्रेंड्स के साथ, गली क्रिकेट जिसे कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उसमें बैटिंग करते थे या बॉलिंग? मैं सिर्फ बैटिंग करता था उसमें। मतलब ये समझिए, मतलब करना तो ऑब्वियसली सब कुछ पड़ता था, लेकिन आई लव बैटिंग। यू लव बैटिंग। ओके, तो आप मुझे अब ये बताइए कि अब जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब तो प्रोफेशनली खेलते होंगे प्रॉपर, तो अब इस आपका क्या लेवल है, कि अब कितना कब तक आपको लगता है कि आप इंडियन टीम में आओगे? बिल्कुल, अभी जैसे आप देख सकते हैं जो भी मैंने अचीवमेंट्स वगैरह थी, वो थोड़ा जूनियर लेवल के अंदर की, अंडर 19 तक जूनियर क्रिकेट मानी जाती है। तो उसके बाद जो सीनियर क्रिकेट है, अंडर 23 हो गई है, रणजी ट्रॉफी, IPL, तो होपफुली अब जो है और लेवल भी बढ़ता है एकदम से 19 से 23 में, तो जो भी है उसी के लिए है, जो मतलब ऑब्वियसली अपना लेवल हाई करके, तो लेवल हाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, सीनियर क्रिकेट के लिए आना पड़ेगा जी। तो मोक्ष, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से प्रैक्टिसेस भी आपकी हैम्पर हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग प्रैक्टिस तो करने नहीं जा रहे होंगे प्रोफेशनल वाली? जी, प्रैक्टिस का ये है, प्रैक्टिस अभी फिलहाल में तो बंद ही है, मतलब ऑन ऑफ चलता है सीजन, और आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में भी सीजन नहीं हुआ है हमारा। तो बेसिकली वही है, छत पे अपना फिटनेस और मेंटल पीस के ऊपर वर्क किया जाए, तो बस अभी फिलहाल। आप हमारी जो ऑडियंस देख रही है, आप उसे क्या बताओगे कि आप अगर घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रैक्टिस नहीं बाहर जा पा रहे हो करने, तो फिटनेस मेंटली फिजिकली कैसे एक्टिव रहते हो आप? देखिए, ये तो एक एक्सक्यूज़ होगा, अगर किसी को फिटनेस करनी है तो वो कहीं पे भी कर सकता है, वो एक रूम के अंदर भी कर सकता है, अपनी टेरेस हो गई, रूम हो गया, या फिर फ्लोर के ऊपर भी अपनी फिटनेस वगैरह कर सकता है। तो आप कैसे भी मतलब अपने को फिजिकली फिट रखिए जब तक ये लॉकडाउन वगैरह, और मेंटल पीस के लिए जैसे मेडिटेशन वगैरह डेली आप 1/2 hour और 1 hour मेडिटेट करेंगे अपने ऊपर, तो वो एक बेटर। फिजिकली एक्टिव मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप घर पर हो बाहर करो, इट्स बेटर कि आप उसको कंटिन्यूसली करते रहें, इससे आपका स्टैमिना भी मेंटेन रहेगा और मेंटली भी आप स्टेबल रहोगे ना। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर हमारे को कोई ये वीडियो को देख रहा है, तो आप उसको क्या इंस्पिरेशन दोगे कि अगर वो ऐसा कुछ बनना चाहे, अगर कोई यंग ऑडियंस है, तो वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे?
आप प्रिपेयर ऐसा है, देखिए अगर आप खेलना चाहते हैं कोई भी स्पोर्ट वगैरह, अगर आप खेलना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आप उसको फुल डेडिकेशन से करिए, फुल हार्डवर्क से करिए, क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसके अंदर। जो भी आपको करना पड़ेगा फुल डेडिकेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको टाइम देना चाहिए उसकी स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए। तो वही है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप करते हैं तो आपको उसको पूरे एक डेडिकेशन और हार्डवर्क से करना चाहिए। मतलब हार्डवर्क और डेडिकेशन से आप कोई भी काम किया जाए वो आपको आपको सक्सेसफुल बनाएगा ही बनाएगा। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस सक्सेसफुल बनने के लिए हार्डवर्क एंड डेडिकेशन दो मंत्र है, उसको याद रखिए एज पर मोक्ष मुरगल। राइट, सो ये था हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद मोक्ष मुरगल, अपकमिंग क्रिकेटर। स्टे ट्यून्ड फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस इन इंडियन क्रिकेट टीम एंड सब्सक्राइब टेस्टी डिलाइट बाय निकिता और बेल आइकन दबा देना। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और शेयर करो इस वीडियो को जितनी आप कर सकते हो।